गोवा जो अपने बीचेस के लिए बहुत फेमस है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ गोवा के सुंदर बीचेस और कैसा रहता है यहाँ का माहौल और कितनी भीड़ आपको यहाँ देखने के लिए मिल सकती है। इस वीडियो में हम सब कुछ आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही अगर आपने हमारे गोवा की और वीडियोस नहीं देखी तो जाके देखिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, उनमें आपको गोवा की बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी देखने के लिए मिलेगी। सो जाके इस वीडियो को खत्म होने के बाद देख लेना। So let's start the video. सुबह उठने के बाद मैं बीच पे जाने के लिए रेडी हो रहा हूँ। सो अब चलते हैं नहाने बीच पे। सो मॉर्निंग हो चुकी है, देखो कितनी सही सुबह लग रही है यहाँ की। सो चिल बाय, गो फॉर बीच। कोई भी नहीं, सब खाली है। रात को यहाँ इतनी भीड़ हो रही थी और अब देखिए क्या क्या माहौल है, बिल्कुल खाली, बस गाड़ियाँ चल रही हैं, लोग नहीं, नहीं लगता है ज़्यादा हो गई होगी सब। यहाँ बागा और कलंगुट के लिए लगती हैं पार्किंग। ये पार्किंग एरिया है। सारा सुनसान, सारा कुछ खाली। सुबह के बज रहे हैं अच्छे और सिर्फ कुत्तों के अलावा यहाँ कोई नहीं है। बीच पे सुबह का नज़ारा बहुत ज़्यादा अच्छा था। अगर मैं दोपहर से कंपेयर करूँ, दोपहर में काफ़ी ज़्यादा धूप होती है जिसकी वजह से मज़े के साथ साथ थोड़ी सी टैनिंग की सज़ा भी हो जाती है। बट आप दिन में यहाँ ज़रूर आएँ क्योंकि दिन में यहाँ आपको वाटर एक्टिविटी करने के लिए मिलेगी जो यहाँ 10 बजे से स्टार्ट हो जाती है। और अगर आप सुबह की ठंडी ठंडी हवा और सनराइज को एंजॉय करना चाहते हैं तो सुबह भी ज़रूर आएं। सुबह से ही यहाँ भीड़ लगना स्टार्ट हो जाती है। चाय हो गई फिनिश, अब थोड़ा नहा लिया जाए, बीच पे मस्ती कर ली जाए, देखते हैं मजा आएगा। चलिए शुरू करेंगे। दिन में जितनी तेज गर्मी, सुबह थोड़ी थोड़ी ठंडक, बट है मस्त। देखो क्या बढ़िया, बहुत बढ़िया वाइब है।